कितने बच्चों को क्या खिलाएगा? आपका कोई श्रम कल्याण बोर्ड नहीं है, कोई लेबर वेलफेयर बोर्ड आपकी ट्रांसपोर्ट का नहीं है, जो चलान के पैसे काटे जाते हैं ये करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के खाते में या पुलिस के खाते में जमा है, उनको ट्रांसपोर्ट बोर्ड बना करके उसमें स्थापित किया जाना चाहिए, उसका एक बोर्ड श्रम कल्याण बोर्ड बनाया जाना चाहिए। मैं उसके समर्थन के लिए आपके पास आया हूँ। दोस्तों, दूसरी बात, क्या आप लोगों ने जो निर्णय लिया है ये प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए और बीमा कंपनियां जो अभी घाटे में चल रही थी उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए ये सारा मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन किया है। आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाले थे लेकिन उनकी मांग अभी उतनी नहीं है, उनकी मांग बढ़ाने के लिए इन्होंने आप लोगों के ऊपर जुर्म किया है ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो कंपनियां यहाँ स्थापित हो सके और इलेक्ट्रिकल के व्हीकल है उन्हें खरीद सके, क्योंकि मांग और खरीद वो कमजोर थी। यह आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को ये बर्बाद करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। दोस्तों, अभी आपने निर्मला सीतारमण का बयान पढ़ा होगा, उसने कहा कि भारत में आर्थिक व्यवस्था वो जो ऊपर की वजह से आई है। अरे वो लोग ऊपर लेकर के कौन आया था? क्या मजदूर लेकर के आए थे? क्या ट्रांसपोर्ट वालों ने रिकमेंड किया था? क्या लोग ऊपर को लेकर के आए? आप लोगों की सरकार की देन है, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हो। आम आदमी पार्टी जो हर बात पर केंद्र सरकार का विरोध करती है लेकिन आज वो कह रही है कि हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। वो मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने के लिए वो हमारे साथ नहीं, वो उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक से हूँ लेकिन हमने कभी कांग्रेस की नीतियों का समर्थन नहीं किया। अगर कांग्रेस की नीतियाँ मजदूरों के खिलाफ है, ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ है, हमारे ड्राइवरों के खिलाफ है, ऑटो टैक्सी वालों के खिलाफ है, तो हम उनके खिलाफ रैली प्रदर्शन धरने करने के लिए तैयार है। जहाँ भी सरकार, जिस स्टेट में सरकार कांग्रेस की है उसके लिए भी मैं आपको समर्थन देने आया हूँ कि वहाँ भी विरोध करो, क्योंकि ये सारे राजनेता एक जैसे हैं, कोई भी घाट नहीं है। आपने आम आदमी पार्टी सरकार जो एक ईमानदारी के नाते जो मजदूरों के आंदोलन को लेकर के यहाँ तक पहुँचा था, जिसको ऑटो टैक्सी वालों ने भरपूर समर्थन दिया था, उसके हाल यहाँ दिल्ली में देख ले कि वो भी आज हमारे खिलाफ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सारी सेंटर ट्रेड यूनियनों की तरफ से जितनी ट्रेड यूनियन हैं BMS, ATAC, C2 सबकी तरफ से मैं आपको समर्थन देने आया हूँ कि सारी आपके साथ खड़ी है, हर तरह से आपके साथ खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।